typically happens for the first time people, not for regulars, but for first time people, is शुरू के दो तीन घंटे, दो तीन चार घंटे तक आपका ना ये दिमाग फायर नहीं करता. After the first 2-3-4 hours, I don't know when, किसी के दो घंटे में, किसी के चार घंटे में, suddenly this fires up. इसको कहते हैं ना आग लग जाती, आग मतलब बूस्टर लग जाते हैं. यहां से लेकर रात कब हुई समझ में नहीं आता, अगले दिन सुबह से लेके रात कब हुई समझ में नहीं आता, और मेरे लिए तो तीसरे दिन भी शाम तक समझ में नहीं आता. सो दिस एंटायर टाइम विल बी द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ इफ यू हैवंट डन होटल चेक इन अर्लियर, वेयर यू विल एक्सपीरियंस अ फिनोमेना विच इज कॉल्ड timelessness, where the element of time will vanish. There will be nothing called time left. You won't know कि अभी खाने का time हो गया. You will forget कि खाना खाने जाना है. So you will forget everything in the world except what you are doing. And by choice, you will continue to sit and love doing what you are doing, and you don't want to do anything. And you will work like what is called a mad scientist, जो दो-दो तीन-तीन दिन तक खाना नहीं खा रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा कि समय हो या खाना खाने के लिए या कुछ और करने के लिए. Yes. Yes. So this is the kind of experience you would have. यहाँ से rocket शुरू होंगे. रात को एक बज गया, दो बज गया, तीन बज गया, काम आप करना बंद नहीं करोगे. बैठ कर रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, अगले दिन सुबह से लेकर रात तक. और थर्ड डे अ लॉट ऑफ पीपल स्लो डाउन, बट थर्ड डे ऑल्सो जितनी देर रात तक खींच सकता हूं या शाम तक खींच सकता हूं मैं खींच लेता हूं. और इसमें द मिरेकल ऑफ डूइंग वर्क हियर इज नॉट जस्ट दिस, द मिरेकल ऑफ डूइंग वर्क हियर इज That जो काम करते हो यहां पर एक घंटा इज इक्वल टू 2 hours ऑफ रेगुलर वर्क. अगर आप बाहर बैठ के या नॉर्मल कॉफी शॉप में बैठ के या ऑफिस में बैठ के काम करो तो उसमें 2 घंटे में जो काम करोगे. ओके, सो लेट मी क्लासिफाई. अगर ऑफिस में बैठ के काम करो तो 3 घंटे का काम यहां 1 घंटे में होता है. अगर कॉफी शॉप में बैठोगे और 2 घंटे काम करोगे उतना ही काम यहां 1 घंटे में हो जाएगा. सो ऑफिस में बैठ के जो काम कर रहे हो 3 घंटे में जो काम निपटाओगे यहां 1 घंटे में निपटा लोगे. वर्स्ट केस सिनेरियो एटलीस्ट डबल एफिशिएंसी यहां निकलेगी. तो आप सोच लो यहां से लेके यहां तक कितने घंटे हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि नींद नहीं आनी चाहिए, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. रात के 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक लोग काम करते रहते हैं और फिर सुबह उठ के वापस 4 बजे शुरू हो जाते हैं, एंड दे आर लविंग व्हाट दे आर डूइंग. And how do I know this? Because of not only my experience, but the feedback that I get every time from everybody across the board, across this country. No matter which business, no matter which geography, everybody has the same experience. And so will you. The only thing you have to do is try it out. There are some rules to this. First, you will have to schedule, make a list कि मैं hotel check-in में जाके करूँगा क्या. If you walk into a hotel check-in without a list of things that you have to complete and all that you need to complete it, you will be in a mess. Yes? So even if so all that you need to complete that work, और आपके पास list होनी चाहिए कि मैं क्या करूँगा पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और मतलब थोड़ी लंबी लिस्ट बना के जाना. और लिस्ट में क्या होना चाहिए, लिस्ट कैसे बनेगी, 18-20. आप अभी तक मनोज ने जितना होमवर्क भेजा है उसकी लिस्ट बना लो. यस, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इज गिवन टू यू फॉर होमवर्क टिल टुडे? यस, नो? Yes. Yes. So great. So do it. Take it from Vedant. Take it from Manoj. Take it from Sushi. Take it from anybody. Can you come? Make a list of all of that. Go there. Okay. Sit down and start ticking off. क्या 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 हो गया, क्या क्या रह गया, जो जो रह गया, उसको ठीक करवा दो.
और पहले उसमें से 80-20 कर लेना कि जो जरूरी काम है, जो इंपॉर्टेंट काम है, जो वो वैसा काम है जिससे सबसे ज्यादा रिजल्ट निकलेगा, पहले वो काम लेके वो काम खत्म कर लो. कैन यू डू दैट? यस. यस नो? यस. पूरी लिस्ट बनाई, उसको 80-20 कर लिया. वो 20% काम जिससे 80% रिजल्ट निकलेगा, पहले वो आइडेंटिफाई करो, पहले वो खत्म कर लो, जिसकी वजह से अभी काम रुका हुआ है. आप बोल रहे हो स्क्रिप्ट बनाने में टाइम लगेगा, कोई स्क्रिप्ट बनाने में टाइम नहीं लगता. पोटेंशियल चेक इन करो और देखो स्क्रिप्ट कैसे बनती है. और स्क्रिप्ट भी बन जाएगी, अपने जैकेट वैकेट ले जाओ, वहीं पर मोबाइल खड़ा करो और शूट करो. यस. सो कैन वी डू दिस? सेकेंड रूल, नो इंटरनेट, मीनिंग नो ब्राउजिंग, नो ब्राउजिंग अलाउड. थर्ड रूल, नो टीवी. क्लियर? नो टीवी, नो ब्राउजिंग, एंड यू नीड टू गो देयर विद द शेड्यूल. आपको जब ब्रेक लेना है ब्रेक लो, आपको जब सोना है सो जाओ, आपको जितने घंटे सोना है सो. कोई इस पे वो नहीं है लिमिटेशन. आपको जब नींद आए, थक गए, सो जाओ. मोबाइल फोन्स नॉट अलाउड, इनकमिंग कॉल्स नॉट अलाउड. जब आप बहुत थक जाओगे, फोन उठाना, सारी मिस्ड कॉल्स को वापस रिस्पॉन्ड कर देना. इनकमिंग कॉल्स आपने नहीं लेनी. मोबाइल फोन आप अपना ऑफ कर दो और बैग में डाल दो. अपने दफ्तर को बोलो मैं हॉस्पिटल में हूं, मेरी डेथ होने वाली है, मैं नहीं. अगर आप आईसीयू में होंगे तो हॉस्पिटल में फोन आएगा? यस नो? अरे यस और नो? नो. नो. क्या बवाल? विजिटर्स, विजिटर्स आएंगे. तो ये बेवकूफी की बात है कि फोन आ रहे हैं जी, मेरे को फोन उठाना पड़ रहा है. कोई फोन उठाने की जरूरत नहीं. बोलो मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूं, छुट्टी पे जा रहा हूं, मेरे को खबरदार जो तंग किया, आई एम आउट. डोंट कॉल मी, डोंट एक्सपेक्ट अ रिस्पॉन्स. और कोई फर्क नहीं पड़ता. यस. Yes. Yes. Yes or no? Yes. Incoming calls? Not allowed. Not allowed. Because the minute you pick up that phone for an incoming call, जो भी काम कर रहे हो वो सारा ब्रेक हो गया, खत्म हो जाओ, बिल्कुल साफ हो जाओ. वो पूरी चेन जो बनी थी, जो सारी स्पीड पकड़ी थी ना, वो सारी रुक गई. Yes. Yes. So now everybody hotel check in? Yes. Yes, no? Yes. Starting this week? Yes. Likh liya, schedule kiya? Yes, sir. Today only. Schedule kar diya, baki sab? Hello? Kitne logo ne schedule kar diya? Kitne logo ne schedule nahin kiya? Aise. Aray, the numbers are not adding up. कितने लोग हाथ नहीं खड़ा कर, एक मिनट, कितने लोगों ने शेड्यूल नहीं किया? लाइक रियली आई एम हेल्पिंग यू, मैं कुछ आपके भी क्लास नहीं ले रहा. हेलो, क्यों क्यों नहीं शेड्यूल कर रहे? शेड्यूल क्यों नहीं कर रहे? अरे शेड्यूल कर, शेड्यूल करके होटल बुक करवा के कैंसिल कर देना यार. एक सेकेंड, मैं क्या बोल रहा हूं, शेड्यूल करो, होटल बुक करवा लो, और उसके बाद अगर नहीं जाना तो कैंसिल कर देना ना. यस, तो कैंसिल कर दो, क्या प्रॉब्लम है? शेड्यूल नहीं करोगे, बुक नहीं करोगे, जाने का कोई चांस नहीं है. और शेड्यूल करोगे, बुक करोगे, एवरीथिंग विल फॉल इन टू प्लेस एंड यू जस्ट गो एंड यू विल रियलाइज कि होटल चेक इन करके बाहर निकलना है, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा दुनिया. आप मर जाओगे ना जिस दिन, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. फॉर योर इंफॉर्मेशन, 10 दिन लोग रोएंगे, उसके बाद बोलेंगे चल धंधे पे चल. यस और नो? यस. तो आपको अपने सेल्फ इंपॉर्टेंस बना के क्या बैठे हुए थे, मेरे बिना धंधा नहीं चलता. सब चलता है. यस नो? यस. बोलो. यस सर. शेड्यूल. Yes. Guys, if you want result, this is the way. Do it. I'm telling you how to do it. If you're not wanting results, all the best. Sir, hotel same होना चाहिए हर बार. अरे वही. कितना लंबा होना चाहिए राहुल? होटल चेक इन कितना लंबा? होटल चेक इन
check-in has to be 2 nights and 3 days. Unless it's... So you forgot to mention two things. Anji. Why do you want to check-in? No drinks and no spa. एक सज्जन आए बोले कि जी होटल चेक इन किया कोई काम नहीं हुआ मेरा देखा क्या आपने बोला इंटरनेट नहीं यूज करना टीवी नहीं यूज करना मैंने इंटरनेट नहीं खोला टीवी नहीं खोला वो सर बॉटल ले गया था ये सब मत करना ये मतलब अंडरस्टूड है स्विमिंग पूल स्पा दारू पता लगा कि बीबी ने अलाउ कर दिया होटल चेक इन पहली बार होटल चेक इन अकेले कर रहा ठीक है यस नो यस ओके ग्रेट सो कैरी ऑन टू दिस ये जी ठीक करने मोर टॉपिक्स सर गेट मोर टॉपिक्स या मैं और ले गया हूँ सर मैं आपको दे रहा हूँ खुद चलो गाइस ऑल द बेस्ट थैंक यू